नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। आखिर वो इंतजार खत्म हुआ जहां मध्य प्रदेश में अब स्पष्ट हो गया है कि आखिर किसकी सरकार है। कल रिजल्ट आ चुका है और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको अपडेट करवा रहे हैं। आपको बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। बीजेपी को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिले हैं। 66 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। बीजेपी के खाते में 163 सीट पहुंची। आपको बता दें कि इस दौरान चौंकाने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। यानी कि 163 सीट बीजेपी की, 66 सीट कांग्रेस की और सिर्फ एक सीट है जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के पास पहुंची है। इससे काफी चौंकाने वाले मामले। आप बता दें कि किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिलेगा बीजेपी का, लेकिन यहां पर प्रचंड जीत बीजेपी के खाते में गई है। मध्य प्रदेश के साथ ही साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि आखिर अमित शाह ने जिस प्रकार से अपनी रणनीति लगाई थी, स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो काम आई। और सबसे बड़ा कमाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना। यहाँ पर बहनों का साथ सीएम शिवराज को मिला और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का ये बड़ा कमाल देखने को मिला है कि प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में मिली है। वहीं पर कांग्रेस की बात चली जाए तो 66 सीटों पर ही सिमट गई है। 2018 में बीजेपी को मात्र 109 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 163 सीटें मिली है। कांग्रेस की बात चली जाए तो कांग्रेस को 114 सीटें 2018 में मिली थी, लेकिन 114 सीटों से सीधे 66 सीटों पर कांग्रेस आकर सिमट गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला। चाहे हम कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह, कई सारे सर्वे करवाए थे जिसमें उन्होंने बड़े बड़े जीत के दावे किए थे और कहा था कि कांग्रेस की लहर है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये लहर कहां छूमंतर होगी अब तक इसका किसी को पता नहीं चल पाया है। अब ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं करारी हार यहां पर कांग्रेस को मिली है, तो वहीं पर बीजेपी एक बड़ी जीत के साथ में अब सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सवाल यही कि क्या एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान कमाल संभालते नजर आएगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि क्या वापस से वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने कहा था कि हाईकमान ये तय करेगा कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिलहाल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, वो भी प्रचंड जीत के साथ। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, मध्य प्रदेश में चौंकाने वाली बात, क्योंकि एक बार फिर से महिलाओं यानी कि भाई को मध्य प्रदेश में आशीर्वाद मिला है बहनों का। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्लियर शॉर्ट सरकार बनने जा रही है और बीजेपी ने जिसकी रतलाम की थी उसकी आधा भी सीटें मिल चुकी है। 163 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक बातचीत में ये कहा था कि 130 से 140 सीटें बीजेपी को मिल रही है। लेकिन कल जब ये मतगणना का जब ये रुझान धीरे धीरे निकल के सामने आया तो दोपहर तक स्थिति साफ हो गई थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पांचवी बार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे। और ये अब तक के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री इस बार तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि ज्योति बसु का भी रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। सबसे दिलचस्प बात है कि जैसे जैसे रुझान आना शुरू हुए मुख्यमंत्री आवास में लाडली बहनाओं की भीड़ उमड़ने लगी और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने की ये दौर शुरू हो गया। और शाम तक मुख्यमंत्री लाडली बहनाओं से मिलते रहे, उनका आभार प्रकट करते रहे और ये कहे कि यहाँ पे कहा जा रहा था कांटे की टक्कर है, कांग्रेस में अंडरकट था, तो मुख्यमंत्री ने कहा ना कोई करंट बचा है, ना कोई कांटा था और ना ही कोई टक्कर, यानी कि दो तिहाई बहुमत से ज्यादा बीजेपी को ये परिणाम मिला है। और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि अगर कुछ सीटों की बात कर दी जाए जहाँ पे कांग्रेस के नेता कुछ 400 500 300 100 वोटों से जीते हैं, अगर इनकी बात छोड़ दी जाए तो कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा इस बार 180 के पार भी कर सकती थी। सबसे बड़ी बात जो है कि कांग्रेस में आखिर कमी कहाँ रह गई, इसका आग्रह जरूर आला नेताओं को करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि कमलनाथ के भरोसे पूरी कांग्रेस रह गई, यहाँ तक कि आला कमान भी पूरी तरीके से ये कोशिश में था कि कमलनाथ की सिंपैथी वोट मिल जाएंगे और जनता एक बदलाव चाहती है। लेकिन लाडली बहना का अंडर करंट इतना घातक हो सकता था कि
ये कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की, और यही कारण है कि 66 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई। जी बिल्कुल विवेक, और हमने वो दौर भी देखा था जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सभी कांटे को निकालकर बाहर फेंक दिया, और देखिए ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये कि सपा बसपा और आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई, इनसे उम्मीद की जा रही थी कि एक दो सीटें तो इनके पास में आ जाएगी, लेकिन यहीं पर बीएपी ने कमाल कर दिखाया, आखिरकार उनके पास में एक सीट आ चुकी है, यानी कि ये माना जा सकता है कि आदिवासियों का कमाल है। बिल्कुल, कांग्रेस की आप अधिकांश सीटें देखेंगे 66 में से, तो आदिवासियों ने कांग्रेस की इज्जत बचा ली, यानी कि कारण ये है कि जहां पे कांग्रेस की क्लेम कर रही थी कि 130 140 150 कमलनाथ कह रहे थे, दिग्विजय सिंह कह रहे थे, कमलनाथ ने हालांकि ये जरूर कहा कि मतदाताओं पर पूरा भरोसा है और आखिरी तक यही कहते रहे कि मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन मतदाताओं को कमलनाथ और कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, यही कारण है कि 66 सीटें आई है। सबसे दिलचस्प बात है कि जो 66 सीटें आई है उनमें आप देखेंगे तो सबसे अधिक सीटें आदिवासी क्षेत्रों से आई है, यानी कि आदिवासी वर्ग अभी भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं था, और यही कारण है कि कांग्रेस को अधिकांश सीटों पर जीतू पटवारी हो या सुनाल चौधरी हो, ये बड़े जो नेता थे जो अक्सर सरकार के लिए फ्रंट फुट में खेलने वाले नेता थे, इनको भी लोगों ने नेताओं को घर बैठा दिया गया, यानी कि जो बीजेपी की प्लानिंग थी कि आज से 5 महीने पहले लाडली बहनों को उनकी खाते में 1000 रुपए 1200 रुपए 1250 रुपए तक सरकार ने दिया, सरकार जरूर वादा कर रही है कि 3000 रुपए तक दिया जाएगा, लेकिन ये आगामी 5 साल तक की योजना है, लेकिन लोकसभा से पहले बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि बहनों के खाते में 1500 रुपए तक इस योजना को लेकर आया जाए। और सबसे चार लोकसभा चुनाव में भी लाडली बहनों का असर देखने को मिलेगा। अब मैं लौटूंगी विवेक आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी अपडेट पर बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत मिली है, चौंकाने वाला रिजल्ट रहा, 66 सीटों पर सिमट कर कांग्रेस रह गई है, और वहीं पर बीजेपी ने एक प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल की है।